सोनू एक और अवार्ड, एक और सम्मान, कैसा लगता है? साल का ये पहला अवार्ड मुझे मिला है और मैंने भी कही थी ये बात कि जो लोग बहुत नीचे से उठ के ऊपर आते हैं, जिन लोग जिनके स्टार पेरेंट्स नहीं होते और जो लोग बचपन से ही हमारे जैसे शुरू हो जाते हैं काम करना और आगे बढ़ने की कोशिश करना, उनके लिए आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो है उम्मीद, होप, और होप के लिए सबसे बड़ी जो ज़रूरत होती है वो है इंस्पिरेशन, यानी कि तारीफ, यानी कि अप्रिसिएशन, यानी कि आपको कोई, आप जो अच्छा करें उसके लिए आपको कोई तारीफ कर दे तो आपको और मन करता है आगे जाने का। अवार्ड भी मेरे ख्याल से ऐसे होते हैं, दे इंस्पायर यू टू वर्क हार्ड। मुझे खुशी है कि साल की शुरुआत इतनी अच्छी हुई है। देखिए, जब भी आदमी को अच्छा काम करता है तो ऑटोमेटिकली उसमें एक्सपेक्टेशन लग जाती है। मुझे ये पता है कि पिछले 3-4 सालों में मैंने जितना भी काम किया है उसमें 90% काम अच्छा है, 10% काम शायद कभी कभी उल्टा सीधा होगा, लेकिन 90% मेरी क्वालिटी का जो रेशियो है वो बहुत अच्छा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कम से कम लोगों का जो एक विश्वास है कि सोनू को अवार्ड मिले या ना मिले, या सोनू कहीं दिखे या ना दिखे, पार्टी में दिखे कि नहीं दिखे, अवार्ड फंक्शन में दिखे, वो पर काम जो वो कर रहा है, कम से कम काम वो अच्छा कर रहा है, मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है, बजाय कि मेरे अपने अवार्ड्स गिनने का कि मुझे कितने 5-10 फिल्मफेयर मिले या 15 ये मिले, वो सब मुझे नहीं, बट खुशी मिलती। मैं कहता हूँ हमेशा अवार्ड्स एक गिफ्ट की तरह होते हैं, गिफ्ट मिल जाए तो बड़ा मज़ा आता है, पर हम आपको कह नहीं सकते कि ये मुझे गिफ्ट दे, ऐसा नहीं बोल सकते, तो अवार्ड गिफ्ट होते हैं मेरे ख्याल से। सोनू अब तक अभी इंडस्ट्री में कहा जाता है कि सोनू निगम हैं जो अभी नंबर वन है, यानी पुरानी पीढ़ी में से नई पीढ़ी के बीच, नई पीढ़ी में सबसे जमे हुए सोनू निगम ही है। तो नए जो सिंगिंग टैलेंट्स आ रहे हैं अलग अलग चैनल्स पर, जिन्हें छोटा मोटा काम मिल रहा है, जो आगे बढ़ रहे हैं, वो सोनू निगम की जगह तक पहुंचे, जो आज सफलता सोनू निगम के पास है, उनकी उनका क्या रास्ता वाकई साफ है या आजकल कुछ भी संभव है, कुछ नहीं हो सकता? नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग आपस में सिंगर्स म्यूजिशियंस आपस में डिस्कस करते रहते हैं कभी भी। आजकल वाकई में दो एक्सट्रीम्स हैं, एक तो मौका इतनी जल्दी मिल जाता है कि आदमी 6 महीने में सुपरस्टार बन सकता है, चाहे वो अभिजीत सावंत हो, अभिजीत सावंत जो इंडियन आइडल से आया था तो आगे वो बिल्कुल एकदम उसको कुछ जानता नहीं था, पर उसकी कला की वजह से, उसकी मेहनत की वजह से और उसकी पर्सनैलिटी की वजह से उसको लोगों ने चुना और उसको देश से में आगे बढ़ा दिया। तो अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स निकल आए हैं कि जैसे हमने धक्के खाए हैं वैसे धक्के और को खाने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम उनके घर चल जाते हैं, कार ले लेते हैं, फैन फॉलोइंग हो जाती है, शोज होते हैं, दिस दे आर टॉक्ड अबाउट इन द प्रिंट, आई टुक 10 ईयर्स टू यू नो गेट माई फर्स्ट अवार्ड इन माई लाइफ। तो वो सब एक आज थोड़ा स्पीड अप हो गया, पर उसमें एक डिसएडवांटेज ये हुआ है कि बहुत सारे सिंगर्स हैं और बहुत सारा कॉम्पिटिशन है, और बॉलीवुड म्यूजिक का जो सिंड्रोम है इसने प्राइवेट म्यूजिक को या म्यूजिक की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा आघात पहुँचाया है। कहाँ आप आजकल गजलें कहाँ सुनते हैं, आप भजन के एल्बम्स कहाँ आते हैं, ज़्यादा आते हैं बट बहुत आते हैं और छोटे लेवल पर ही वो खो भी जाते हैं। बहुत कभी कभी कोई ऐसे एल्बम जाते हैं, जैसे मेरे फादर का एल्बम आया है वो बेवफा, वो एल्बम चल रहा है 5 साल में 4 एल्बम निकाले गए हैं। कभी कभी कुछ एल्बम जाते हैं जो लंबे लंबे चलते रहते हैं, अदरवाइज नए सिंगर्स को सिवाय बॉलीवुड में काम मांगने के और कोई तरीका नहीं है, और वो काम तो फिर आजकल जल्दी मिलता नहीं है, क्योंकि गाने जो है वो भी उस क्वालिटी के नहीं आते। कितने गाने कल होना बनेंगे, कितने गाने सुबह से मध्यम बनेंगे, कितने गाने मैं होना बने हैं लास्ट 2-3 सालों में, आप मुझे बताइए। बहुत कम गाने होते हैं जो इन लम्हों के दामन में जोधा अकबर का जो गाना है वो बनते हैं। सो अच्छे गाने बनेंगे तो अच्छे सिंगर सामने आएंगे, और फालतू गाने बनेंगे तो इंडस्ट्री को म्यूजिक डायरेक्टर्स मतलब अपने अनुसार चलाते हैं, सिंगर्स अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार म्यूजिक डायरेक्टर को चेंज कर सकते हैं? नहीं, आजकल म्यूजिक डायरेक्टर खुद ही गाते हैं, तो वो खुद ही गा रहे हैं, खुद ही बना रहे, खुद ही चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये पूरा पक्का साबित होता है कि म्यूजिक डायरेक्टर की गेम है सारी, म्यूजिक डायरेक्टर के हाथ में है कि वो कैसे गाने बनाए। अगर वो चाहता है कि उस वही गाने को गाए तो वो अपने लेवल गाने बनाएगा, वो डिफिकल्ट गाने बनाएगा नहीं। अब शंकर महादेवन बहुत अच्छा गाना गाते हैं, वो अच्छे गवई हैं, तो वो अपने लिए टफ गाने बना सकते हैं उसी, पर हर कंपोजर ये बात नहीं सोच सकता ना अपने बारे में, हर कंपोजर तो इतना अच्छा गाता नहीं जितना शंकर महादेवन गाते हैं। तो अगर हर कंपोजर सोचे कि मैं भी गाना गाना चाहूँ तो फिर अपने लिए वो डिफिकल्ट गाना नहीं बनाएगा, ऊंचे गाने या फिर क्लासिकल गाने नहीं बनाएगा वो, या थोड़ा गायकी नहीं डालेगा वो, अपने लिए सिंपल 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 गाने बनाएगा उसी चीज़ पे। सो इट इज़ ऑल इन द हैंड्स ऑफ कंपोजर्स। कुछ कंपोजर्स जिनके खून में बहुत अच्छे म्यूजिक है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत अच्छे जो है, ए आर रहमान ऐसा आदमी है जो इंट्रेंसिकली बहुत अच्छा आदमी है, तो वो अच्छा ही काम करते हैं और वो चालू काम भी कर सकते हैं। पप्पू कैन डांस साला, वो गाना एकदम चालू गाना है बट अच्छा बनाया गाना वो, एंड एट द सेम टाइम ही मेक्स इन लम्हों के दामन में, या अभी जितने भी गाने आए हैं, गुजारिश जो आया है इनका,
सो कंपोजर पर डिपेंड करता है कि वो सिंगर को कैसे यूज करता है या वो खुद अपने आप को इस्तेमाल करता है। ऐसा है क्या सोनू को कभी डर लगता है क्या अगर सब म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर बन जाएंगे तो जब सोनू जैसे क्वालिटी के सिंगर को उन्हें क्या होगा क्योंकि सोनू तो अभी मेरे साथ क्या है कि सभी जानते हैं कि मैं म्यूजिक का बहुत बड़ा कीड़ा हूँ तो उनको पता है कि जिस दिन मैं कंपोजिशन में उतर गया तो फिर उस दिन कंपोजिशन से मैं बहुत अच्छी कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप भी घर में झाड़ू पोछा मार सकते हैं आप भी घर में बर्तन मान सकते हैं बट क्या आपके पास टाइम है क्या नहीं ना क्योंकि हमको जिंदगी में कुछ आगे और देखना है। म्यूजिक एक ऐसा सिंगिंग ऐसा आर्ट है जहाँ रियाज बहुत करना पड़ता है उसके साथ में अपने आप को फिट रखना पड़ता है तो जो मैं काम कर रहा हूँ उसको मैं अपना अच्छा करना चाहता हूँ और म्यूजिक डायरेक्शन के लिए अलग चीज है फिर आप कंपोजिशंस तो बना के मैंने बहुत रखी हुई है पर उसको बेचना मार्केटिंग करना ट्रेडिशनल डायरेक्टर से बात करना वो एक अलग दुनिया है तो मुझे कंपोज करने का वक्त नहीं है इसलिए मैं कंपोज नहीं करता। और जहाँ तक डर की बात है मैंने जब पहली बार दिल्ली में 15 साल की उम्र में मेल सिंगर के रूप में स्टेज शोज करने शुरू किए थे उसके पहले मैं चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में स्टेज शोज करता था 3 साल की उम्र से लेकिन जब मेल सिंगर के रूप में मैंने 15 साल की उम्र में शो शुरू किया तो मेरी पेमेंट थी 250 रुपये एक शो की तो अब मैं कितना खतरा सकता मुझे कितना डर लग सकता है सोचिए मैं वहां से मतलब अब उससे ज्यादा मैं क्या डर सकता है कि एक शो में 20 गाने गाने के बाद मैं आपको 250 रुपये और 250 रुपये तब भी बड़ी बात नहीं थी कोई बहुत आई एम टॉकिंग अबाउट 87 में 250 रुपये भी बहुत मामूली बात थी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी कि मतलब 20,000 हो गया आज के ऐसा नहीं था। तो जिसने 250 रुपये से अपनी म्यूजिकल जर्नी स्टेज पे शुरू की हो लोगों की बर्थडे पार्टी में लोगों की कॉकटेल पार्टी में मेलों में मेहंदी में शादियों में उस सब में मैंने गा के शुरू किया तो देयर इज नो वे मुझे आर्टिस्ट के रूप में परफॉर्म करना और एक अवार्ड की चाह रखना और एक जज के रूप में उस परफॉर्मेंस को जज करके अवार्ड देना दोनों भूमिका आपने निभाई है तो कैसा लगता है दोनों के बीच में क्या अंतर है? अंतर तभी होता है जब इंसान की का जो मोटिव है जो इंटेंट है वो अंतर मेरा सिर्फ एक ही इंटेंट रहता है जो भी करो अच्छा करो और संगीत की सेवा करो। अगर आप म्यूजिक अगर आप होस्ट कर रहे हैं तो आप सारे का मजे से शो होस्ट करें जहां म्यूजिक की अच्छी बातें हो रही हो और अगर आप जज कर रहे हैं तो भी आप एज ए जज कोई भी ऐसी बात ना करो जो शैलो हो या कोई म्यूजिक से हट के बात हो क्योंकि कंट्रोवर्शियल लोग आगे बढ़ते जरूर हैं ऑफकोर्स लेकिन वो बड़े टाइम बाउंड होते हैं टाइमलेस लोग वो होते हैं जो हमेशा उनका इंटेंट सही रहता है और जो म्यूजिक के लिए सही सही बातें करते हैं। सो हमेशा मेरी कोशिश ये रही है म्यूजिक से हटकर क्वेश्चन है आप भी एक आर्टिस्ट हैं सिंगर हैं आज शकील के बारे में सुनने में आया कि रियलिटी शो के लिए मिमिक्री करने के लिए थे और शूट करने जा रहे थे तो एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें हटा करके उस जगह से कहा कि आपकी जगह ये नहीं उन्हें बाहर कर दिया गया क्योंकि वो पाकिस्तान से बिलोंग करते थे तो आप क्या कहना चाहेंगे क्योंकि खुद आप एक आर्टिस्ट हैं। अच्छा सवाल है आपको मैं आई विल जस्ट गिव यू एन एडवाइस सुनोगे तो मान लो बात को ये सब मुझसे सवाल बहुत पूछते हैं कि पाकिस्तानी सिंगर्स आते हैं आपको क्या लगता है आपका क्या कहना है बैन करना चाहिए करना चाहिए। मैं ये बोलता हूँ कभी आप लोगों ने यही बात आतिफ असलम से पूछी कभी आपने ये बात गुलाम अली जी से पूछी कभी आपने किसी पाकिस्तानी से बात पूछी कि क्या वो क्यों नहीं जाके बोलते कि यार हमको तो यहाँ आकर आने का मौका मिलता है राहत से पूछी आपने कभी ये बात कि मुझे तो यहाँ पर सुपरस्टार बनाया गया है मुझे नॉमिनेट किया जाता है अवार्ड फंक्शंस में मुझे काम दिया जाता है तो मेरे देश में इनके सिंगर्स को क्यों जाने दिया जाता उनसे पूछी नहीं ये बात हमसे मत पूछिए इससे बात हम तो आपको कोई डिप्लोमेटिक जवाब दे देंगे नहीं नहीं इंसान म्यूजिक एक है यू नो देयर इज आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं है मैं तो ऐसी बात बोल दूंगा बट यू शुड नॉट आस्क दिस क्वेश्चन टू अस यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू द पाकिस्तानी सिंगर्स हु आर हियर दे विल बी एबल टू आंसर यू बेटर। सो संजय चुनाव लड़ रहे हैं लखनऊ से आपका क्या मानना है पता नहीं मुझे कुछ नहीं इन लम्हों के दामन में पाकीज़ा सिरिश्ते हैं कोई कलमा मोहब्बत का दोहराते फरिश्ते हैं नगम ही नगम है जागती सोती फिजाओं में हुस्न है सारी अदाओं में इश्क है जैसे हवाओं में।